हेलो माय माई आर्मी हेलो मेरे प्यारे बचा लोग कैसे हो आप सब लोग आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है सुपर्ब है कि नहीं है ना क्या ऐसा तो नहीं लग रहा है मैम टेंथ में आके बहुत ही बोझ फील हो रहा है कि जिंदगी में बहुत बोझ बढ़ गया है तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों टेंथ इज ऑल्सो जस्ट अ क्लास जैसे नाइन्थ पास की जैसे और भी कोई ग्रेड पास करोगे बस यही है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी ने वो बोर्ड्स एग्जाम की वजह से टेंथ और ट्वेल्थ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है कि भाई उसके जो मार्क्स है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रेड आगे डिसाइड करने में एज एन स्ट्रीम डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट होते हैं एन सो ऑन बट कम प्रेशर के साथ अच्छे से मेहनत करके पढ़ोगे ना तो टेंथ इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल है ना तो आई होप आप भी इसी एनोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं और ज्यादा दिमाग को गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जा रहे हैं By the way, मैं हूं आप सबकी नए भी आए होंगे ना कुछ कुछ तो एटम्स आर्मी का हिस्सा बन गए होंगे बन जाइए नहीं बने हैं तो एंड बच्चों आज के लेक्चर में क्या करेंगे एज यू नो केमिस्ट्री फीवर ऑल ओवर ठीक है लास्ट क्लास में मैंने आप सबको हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताया था कि जब आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं आपके एन के हिसाब से हिट एंड ट्रायल से करो ये तरीका है बट कभी कभी कुछ इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हिट एंड ट्रायल पर इतना दिमाग लगाना तो सिर्फ बच्चों की फरमाइश पे क्योंकि हमेशा बोलते हैं कि मैम हमें ये वाला मेथड भी करना है दैट इज एल्जेब्रिक मेथड तो आज मैं आपको समझाऊंगी मैथ्स की मदद से मैथ्स की मदद से एल्जबरा की मदद से आप देखेंगे कि अगले 30 से 35 मिनट में कि आप कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं आई होप मैथ स्ट्रांग होगा मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है तो भी चलेगा कोई ऐसी बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होने वाली है ठीक है तो केमिकल रिएक्शन आन इक्वेशन का आज है लेक्चर थ्री जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलजेब्रिक मेथड इन द नेक्स्ट थर्टी थर्टी मिनट आप इसी बात पर ये तो कर दीजिए पूरा इफेक्टिव लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं इंफॉर्मेटिव मिल रहे हैं बहुत सारी मदद ये चैनल आपको प्रोवाइड कर रहा है हमारी मेहनत के नाम पे हिट द थम्स अप लाइक कर दीजिए दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिए उनका भी भला हो जाएगा नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ठीक है और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो मेरा इंस्टा हैंडल है अनुभा ठीक है दैट्स एजी इंस्टा हैंडल डन है बॉस ठीक है फिर चलो शुरुआत करते एक के साथ कर लेते हैं बाय वे आई होप आप होमवर्क किया होगा नहीं किया तो गलत बात मतलब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मिलती है रिवाइज करने को और वो हमारे लिए नहीं है वो आप लोगों की मदद करेगा तो होमवर्क को स्किप मत किया करो तब का काम तभी कर लोगे ना लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी ऐसे इकट्ठा नहीं होगा काम ठीक है ठीक है एटम वॉज हाँ जी तो हिट एंड ट्रायल मेथड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था चलो एक इक्वेशन एक पे लगा के देखते हैं एक क्विक रिकैप ले लेते हैं एक इक्वेशन थी हमारे सामने जिसमें अमोनियम नाइट्रेट था ठीक है अमोनियम नाइट्रेट इज एन एच फोर एनओ थ्री वो तोड़ के हमें दे रहा है एन टू ओ और साथ में एच टू ओ वाटर अगर मैं इधर देखो मेरी लेफ्ट साइड पे ये पता नहीं क्यों राइट लिखा है एक नाइट्रोजन काउंट करो एक और दो दो है ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं तीन है हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं चार है और इधर राइट साइड पे जब हम देखेंगे तो हमने क्या देखा दो नाइट्रोजन है दो ऑक्सीजन है दो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन बैलेंस है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है जैसा बताया था वही रूल फॉलो करो चलो पहले दोनों को अगर बैलेंस करना है पहले हाइड्रोजन कर लेते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ चार था यहाँ दो तो मैं क्या करूँ टू इन टू टू से मल्टीप्लाई कर दू जहाँ पे हाइड्रोजन था वहां पे दो लिख दो तो ये बन गया एन टू ओ प्लस टू एच टू ये बन गया ना बच्चों ये बन गया हाइड्रोजन हो गया बैलेंस चलो ये बैलेंस ये बैलेंस अब ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ा पहले ऑक्सीजन दो थे एक और दो लेकिन ये दो से मल्टीप्लाई हो गया ना टू इन टू वन दो यहाँ पे एक यहाँ पे तीन बन गए ये ठीक है ठीके? तो यहाँ पे टू प्लस वन तीन हो गए ऑक्सीजन तीन हो गए यहाँ पे भी तीन है भले भले कुछ और करना ही नहीं है हाँ ये गोल अचीव हाँ गोल अचीव्ड

Zinc Zinc plus 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 two 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 two. two two two. HCl HCl gives ZnCl ZnCl H H बच्चों हमने बताया भी है कि आप लोगों का जो पेपर है वो पांच सेक्शन में आने वाला है ए बी सी डी ई एक सेक्शन पूरा आपका एम सी क्यूज का होगा और आठ सवाल सिर्फ आठ सवाल अकेले केमिस्ट्री से आने वाले हैं बाकी के बारह आपके फिजिक्स और बायो मिला के तो आठ सवाल आ रहे हैं मतलब चांसेज है ऐसे सवाल आपको पेपर में दिखेंगे नॉट एग्जैक्टली बट समहा हम्म चलो बैलेंस करोगे जिंक में एच डाला अब यहाँ पे तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे वन जिंक है यहाँ पे टू गलत हो गया यहाँ पे जिंक वन जिंक सही है एक हाइड्रोजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन गलत बैलेंस इक्वेशन ढूंढनी है एक जिंक जिंक एक zinc, सही है दो हाइड्रोजन यहाँ पे तो चार हाइड्रोजन लिख दिए ना टू एच टू ये भी गलत है आप ऐसे भी निकाल सकते हो एक जिंक एक जिंक दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन है। दो क्लोरीन करेक्ट है ठीक है आप कैसे निकालोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होता है स्टॉक्यूमेट्रिक कॉफिशन जिसको बोलते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो इनके सब्सक्रिप्ट से सब्सक्रिप्ट जो ऐसे नीचे लिखा होता है तो कुछ नहीं है मतलब वन तो वन इंटू वन वन टू इंटू वन टू टू इंटू वन टू ठीक है इस तरीके से आप निकालते हो बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ मैथ्स मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मैथ्स में कभी कभी स्ट्रगल हो जाता है एंड ये भी चाहती हूँ कि आपको कोई स्ट्रगल ना हो या चलो फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल सही जवाब था अब बढ़ते हैं एल्जेब्रिक मेथड पे जैसा नाम ही बता रहा है एल्जेब्रिक मेथड मतलब एल्जब्रा का यूज आप लोगों को करना है ठीक है एल्जब्रा में आप क्या करते हो इक्वेशंस निकालते हो इक्वेशंस को इक्वेट करते हो वही काम हम यहाँ करेंगे केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में तोड़ेंगे एलिमेंट वाइज और उनको इक्वेट करेंगे दोनों साइड क्या बोला मैम आपने दिमाग की दही हो गई सुनो जरा सवाल करेंगे एक समझ में आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है मैं इतनी बड़ी बड़ी जो बातें लिखी है उसको डी करके दिखा दूँ कि जो आपकी स्टोक्योमेट्रिक रिएक्शन है ना मतलब इक्वेशन है उसको आप अनबैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो ठीक है आपको जो इक्वेशन दी है सबसे पहले उसको अनबैलेंस फॉर्म में लिख लो फिर उसके बाद आपको वेरिएबल ऐड करने हैं जैसे कि मैथ्स में करते हो ए बी सी डी पी क्यू आर एस जो आपका मन करे वो ए बी सी डी पी क्यू आर एस आपको वो कॉफिशियंट मानने हैं जिनकी वैल्यू आपको निकालनी है ठीक है जैसे मान लो आपको ये इक्वेशन गिवन थी सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जो आपका ग्लूकोज होता है जो आप खाने में खाते हैं ओ टू ऑक्सीजन गैस तोड़ के सी ओ टू और वाटर ये रिएक्शन हमारे ही डाइजेशन के हैं खाना खाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस से वह टूट जाता है हम सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और पानी निकलता है और एनर्जी जिससे खाना खाने के बाद हमें ताकत मिलती है मुझे बैलेंस करना है मु, मुझे बैलेंस करने का मतलब आपको पता है क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता इनके आगे क्या कॉफिशियंट लगेगा ये अनबैलेंस फॉर्म में है मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है मुझे सेम करने हैं मैं सेम कैसे करूं बच्चों यहाँ पे कुछ कॉफिशेंट जो नहीं है वो मुझे निकालने हैं अब निकालने हैं यहीं पर मैथ्स कॉफिशेंट को ए बी सी डी पी क्यू आर एस ऐसा कुछ मान लो ठीक है मान लो मैंने माना ए बी C, D. आपको इस C, C में ऐसे कंफ्यूजन होता है तो आप पी क्यू आर एस भी मान सकते हो कोई आपको नहीं रोक रहा ठीक है तो देखो वही लिखा है इन दिस दिस वी कैन राइट इट लाइक और हमें एट एंड करना क्या है मैथ्स का यूज करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है क्यों एबीसीडी की वैल्यू निकालनी मतलब हमें कॉफिशेंट की वैल्यू पता चल गई मतलब रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में अचीव कर लिया गोल अकम्पलिश यही गोल था हमारा ठीक है तो इस एबीसीडी की वैल्यू बच्चों हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताती हूँ ठीक है तैयार हो ABCD की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा मैच, मैं मैं सारे स्टेप आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी जिसको आपको एक एक स्टेप हर एक स्लाइड में एक एक स्टेप लिखा हुआ है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मेरी बात सुनो मुझे दोनों साइड कार्बन एलिमेंट को क्या करना है इक्वेट करना है ठीक है मुझे देखना है

यही मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि दोनों साइड एटम्स और मास सेम होने चाहिए इधर मेरे कार्बन कितने हैं इधर कुछ नहीं लगा हुआ इधर है वन तो सी है कार्बन एटम सही बात है बिल्कुल सही बात है इधर कार्बन एटम्स आट, कुछ सी वैल्यू कैरी करते हैं वो कोई होल नंबर है जो हमें निकालना है ये इक्वेशन बन गई एक इक्वेशन नंबर वन कार्बन के लिए ठीक है छोटा सी है बड़ा नहीं कंफ्यूज हो जाओगे छोटा सी कॉफिशंट के लिए बड़ा सी कार्बन एलिमेंट के लिए हमेशा कैपिटल सिंबल लिखते हैं हम जब हम सिंबल लिखते हैं ठीक है इसी तरीके से मुझे अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हाइड्रोजन एलिमेंट को मुझे दोनों साइड क्या करना है बच्चों बैलेंस करना है दोनों साइड सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होने चाहिए सही है इधर देखो हाइड्रोजन कितने ट्वेल्व इन टू ए ट्वेल्व ए हाइड्रोजन है, है। इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है नहीं इक्वल टू मतलब उतने ही इधर होने चाहिए इसलिए इक्वल लगाया जितना रिएक्टेंट साइड उतना प्रोडक्ट साइड इधर हाइड्रोजन कितने हैं ये डी है टू नहीं है ठीक है डी इंटू टू टू डी है ना क्योंकि और कहीं जगह हाइड्रोजन नहीं है हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया हो गया अब ऑक्सीजन पे जाते हैं क्योंकि मेरे पास तीन स्पीशी थी मेरे पास तीन एलिमेंट थे कौन कौन से थे कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन देखो इस साइड कितने हैं सिक्स ए कई बार बच्चे यहाँ पे करके छोड़ देते हैं आगे देखो और भी ऑक्सीजन एटम है जो कि यहाँ पे है टू बी एक साइड से सिक्स मिल रहे हैं एक साइड से टू बी आप उन दोनों को ऐड करोगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए मैथ्स लगाओगे है ना एक बास्केट में छ एप्पल है दूसरे बास्केट में तीन एप्पल है टोटल कितने हुए सिक्स प्लस थ्री वही यहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिले सिक्स से यहाँ से मुझे ऑक्सीजन मिले टू बी टोटल रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है सिक्स ए प्लस टू बी मैथ्स लगाया सिंपल लेवल का इक्वल टू इधर कितने ऑक्सीजन है सी इंटू टू टू सी ठीक है इधर कितना ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के इधर कुछ नहीं है मतलब वन D वन D मतलब D ये मेरे पास तीन इक्वेशन आ गई क्योंकि मेरे पास तीन एलिमेंट थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मैंने तीन इक्वेशन उसकी निकाल ली बच्चे बोलेंगे भाई मैम ये क्या है इससे क्या सोल्यूशन आ रहा है इतना समझ में आया तो बोलो दोनों साइड इक्वेट कर रहे हैं हम दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स को सेम कर रहे हैं उसका तरीका ये नंबर ऑफ एटम्स एक साइड पे कितने होते हैं कैसे निकालोगे उसके कॉफिशियंट को उसके सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी जैसा मैथ में करते हो किसी एक स्पीशी को वन मान लो ठीक है क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं ना मल्टीपल्स भी आ सकते हैं टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स हमें एक स्पीशी को एक कॉफिशियंट को वन मानना है ठीक है सी को वन मान ली क्योंकि इससे निकालना आसान हो जाएगा सिक्स इज इक्वल टू वन या चाहो तो ए को वन मान लो चलो ए को वन मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू वन ठीक है बच्चों ए की वैल्यू मैंने वन मान ली तो मैंने इसको इक्वेशन वन में पुट कर दी पुट इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में पुट करो सिक्स इन टू वन इज इक्वल टू सी तो सी की वैल्यू कितनी आ गई सिक्स ए की वैल्यू मेरे पास वन है सी की वैल्यू सिक्स है ठीक है इससे मैं डी की वैल्यू निकाल सकती हूँ तो मेरे पास एक ही वैल्यू ऑलरेडी थी मैं इसको इक्वेशन टू में पुट कर देती हूँ ए की वैल्यू वन है ये मैं किस इक्वेशन में पुट कर दूं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो ठीक है बारह इज इक्वल टू टू डी डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई आई के नहीं आई बच्चों मैच किया है मैंने बारह इज इक्वल टू टू डी डी की वैल्यू कितनी आई सही है अब मेरे पास ए सी और डी की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे पुट कर ले हम <coughs> थोड़ा सा गला यहाँ पे जरा पुट करो सिक्स इंटू वन क्योंकि ए की वैल्यू है 1, plus 2 into B की वैल्यू कितनी है नहीं पता टू इंटू सी सी की वैल्यू है 6, तो छू इंटू सिक्स ट्वेल्व डी डी की वैल्यू निकाली सिक्स आ गया ये ये सोल्यूशन बताओ सिक्स प्लस टू बी इज इक्वल टू एटीन तो टू बी कितना आ गया यहाँ से 2b हो गया 18 ये 6 इधर चला जाएगा 18 में से 6 निकालोगे 12 बचेगा 2b is equal to 12 b की वैल्यू कितनी आ गई 6 a b c d सब वैल्यू आ गई बस पुट कर दो रिएक्शन बैलेंस हो मैं हट जाती हूं एक बार देख लो हट जाती हूं एक बार देख लो a b c d मैंने कोफिशिएंट माने मैंने उसके हिसाब से तीन एलिमेंट थे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीन इक्वेशन बनाई कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के फॉर्म में कार्बन के लिए कैसे इधर कार्बन है इधर सी कार्बन है क्योंकि तो दोनों साइड इक्वेशन के नंबर ऑफ कार्बन सेम करने इसलिए इक्वल ये इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए बनाए इधर बारह ए हाइड्रोजन थे इधर डी हाइड्रोजन थे टू डी ठीक है क्योंकि तो ये देखो टू इन टू डी ऑक्सीजन के लिए कितनी ऑक्सीजन थी सिक्स ए प्लस टू बी रियक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड में थी टू सी प्लस डी मैंने तीन इक्वेशन एक वैल्यू को वन मान लिया जिससे सिंपल हो जाए चीजें यहाँ पे मुझे लगा ए को वन मान लू तो मेरी सारी वैल्यू निकलती चली जाएगी ठीक है तो ए मानने पे ए की वैल्यू भी निकली सी की वैल्यू भी निकली डी की भी वैल्यू निकली वो सब इसमें पुट कर दी और फाइनली मेरे पास ए बी सी डी सारी वैल्यूज आ गई और ये मैं इक्वेशन में पुट कर दूंगी, यही सारी बात यहां पे घुमा फिरा के हमारी लिखी गई है बच्चों ठीक है सारे स्टेप वाइज जितने सारे स्टेप मैंने किए हैं ठीक है तो अब देखो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी फाइनल इक्वेशन वो मैं आपको दिखा देती हूँ ए की वैल्यू थी वन बी की वैल्यू थी सिक्स सी की वैल्यू भी थी सिक्स और डी की वैल्यू भी थी सिक्स है ना एक मिनट देख लेते हैं हमने यहां पे लिखा है ये रहा। हाँ, सी डी बी तीनों की वैल्यू सिक्स थी बहुत बढ़िया ओके okay. बी की वैल्यू सिक्स ए की वैल्यू थी वन सॉरी बी की वैल्यू सिक्स सी और डी सबकी वैल्यू सिक्स इस इक्वेशन में पुट कर दो वन सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सिक्स ओ टू सिक्स सी ओ टू सिक्स एच टू रिएक्शन हो गई बैलेंस डेफिनेटली हिट एंड ट्रायल से कर सकते थे बट कभी ना आए कुछ अटक गया तो कैलकुलेशन मैथ्स के लगा के कभी गलत सवाल हो ही नहीं सकते ठीक है देख भी लो छ्बन कार्बन बारह हाइड्रोजन बारह हाइड्रोजन छ प्लस बारह अट्ठारह ऑक्सीजन देखो बारह और छठारह ऑक्सीजन छ इंटू टू बारह प्लस छ अट्ठारह ऑक्सीजन रिएक्शन बैलेंस हो गए अब मुझे बताओ क्या ये मेथड आपको मुश्किल लग रहा है कि आसान लग रहा है इतना जल्दी तो बिल्कुल नहीं थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते पता चल जाएगा क्या बोलती पब्लिक मतलब एटम्स हाँ, मुश्किल लग रहा है चलो एक और सवाल लगाते हैं करें सवाल लगाएं? चलो सवाल सॉल्व करें कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड कैल्शियम फॉस्फेट और कार्बोनिक एसिड बनता है इसको ए मान लू इसको बी मान लू कॉफिशियंट को यहाँ पे सी यहाँ पे डी ठीक है पूरा सॉल्व करेंगे कैल्शियम है कार्बन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है और फॉस्फोरस है पांच है है ना पांच है तो कैल्शियम के लिए बैलेंस करो इधर ए कैल्शियम है इधर थ्री सी कैल्शियम है ठीक है अब कार्बन के लिए बैलेंस करो ए कार्बन है और इधर कितना कार्बन है डी कार्बन है यहाँ पे वन है ना इधर है क्या नहीं है तो यहां पे हुआ ए कार्बन इज इक्वल टू डी कार्बन यहां पे वन है ना तो वन इंटू डी डी अब मैं बैलेंस करती हूं कैल्शियम कार्बन के बाद ऑक्सीजन के लिए कितना ऑक्सीजन है थ्री इंटू ए थ्री ए और कितने इधर फोर बी थ्री ए प्लस फोर बी इधर कितने ऑक्सीजन है सी फोर इंटू एट ये एट ऑक्सीजन थे एट सी प्लीज देखो पी ओ फोर दो बार था ऐसे है ना ट्वाइस है तो चार और चार आठ ऑक्सीजन थे ना बाहर सी लगा हुआ था तो एट सी ठीक है एट सी इधर देखो ऑक्सीजन है थ्री इधर है डी थ्री डी और कोई बच गया ऑक्सीजन के बाद अब हमारा बच गया हाइड्रोजन और फॉस्फोरस हाइड्रोजन के लिए बैलेंस करेंगे 3B is equal to 2D. ठीक है फॉस्फोरस के लिए बैलेंस करेंगे टू सॉरी बी एक बार है पी के नीचे कुछ नहीं है एक बार आएगा गड़बड़ी मिस्टेक बिल्कुल मत करना एक बार बी है इधर फॉस्फोरस के बाहर ट्वाइस है तो टू है और इधर बाहर सी है ये मेरे पास सारी के सारी क्वेश्चन आ गई देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है मैं फिर से बता देती हूँ ठीक है कैल्शियम इधर ए है कितना है इधर कितना है थ्री सी है कार्बन इधर ए है इधर कितना है डी है ऑक्सीजन कितना है थ्री प्लस आई मीन थ्री ए प्लस फोर बी इधर कितना है एट सी प्लस थ्री डी हाइड्रोजन कितना है ठीक है 1B is equal to 2C. सारी क्वेश्चन आ गई मेरी अब हम एक मान लेते हैं किसको सी की वैल्यू वन मान लो ताकि एक की वैल्यू आसानी से निकल जाए लेट मी चेंज द पेन क्या करते हैं लेट c इज इक्वल टू वन एक ऑफिशंट को वन मान सकते हैं इसका मतलब ही हो गया हम सिंपलेस्ट पॉसिबल होल नंबर में हम इसको निकालना चाहते हैं c की वैल्यू वन आने से a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ रख दो ट्वीन टू वन ए की वैल्यू हो गई थ्री ठीक है a की वैल्यू आ गई तो मेरी यहाँ पे d की वैल्यू निकल जाएगी d भी कितना हो जाएगा a की वैल्यू जितना a की वैल्यू है तीन तो a c d की वैल्यू आ गई यहाँ पे ए सी डी मुझे पता है मैं बी निकाल सकती हूँ चाहो तो बी यहाँ से निकाल लो हाइड्रोजन वाले केस से इसको इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर और इक्वेशन फाइव हाइड्रोजन वाली कौन सी है इक्वेशन फाइव इक्वेशन फाइव में डाल दो थ्री बी बी की वैल्यू मुझे नहीं पता डी की वैल्यू मुझे पता है तीन थी छ हो गया ये तो थ्री बी इज इक्वल टू की वैल्यू कितनी आई टू आई की नहीं थ्री बी इज इक्वल टू छू सिक्स बाई थ्री विच इज टू है ना चलो तो बी की भी वैल्यू आ गई यहां से इक्वेशन uh, फाइव से आप निकालो बी की वैल्यू आपको पता है कितनी आई है टू है इज इक्वल टू टू सी सी की वैल्यू वन थी है ना ये निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं चलो इसको स्किप भी कर सकते थे आप ठीक है इक्वेशन फाइव को स्किप भी कर सकते थे क्योंकि मुझे बी और सी ऑलरेडी पता चल गया है अब इस पर निकालते हैं ऑक्सीजन वाली इन इक्वेशन थ्री इक्वेशन थ्री को सॉल्व करो थ्री इंटू वैल्यू कितनी है तीन प्लस फोर इंटू बी बी की वैल्यू कितनी है टू इक्वल टू एट सी की वैल्यू मुझे नहीं पता एट सी थ्री इंटू डी डी की वैल्यू कितनी है ठीक है सारी वैल्यूज डाल दी मैंने चलो नाइन प्लस एट इज इक्वल टू एट सी प्लस नाइन 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 कैंसिल हो गया दोनों साइड से क्योंकि इधर लेके जाओगे माइनस में एट इज इक्वल टू एट सी तो c की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई है ना c ए एट इज इक्वल टू एट सी को इधर ले जाओ एट बाई एट वन देगा ना c की वैल्यू c की वैल्यू वन आ गई तो यहाँ पे c की वैल्यू भी पर ए की वैल्यू है तीन बी की वैल्यू है दो सी की वैल्यू है वन डी की वैल्यू है थ्री ये सब मेरे पास आ गई है ठीक है ए बी सी डी और कुछ चाहिए और कुछ है ही नहीं ए बी सी डी था मेरे पास देख लो अब इसको ध्यान से देख लो एक बार ध्यान से मैं हट जाती हूं आई होप आपको समझ आ गया ए बी सी डी वैल्यू हमारी निकल गई है अब हम इसको पुट कर ले इक्वेशन में बच्चों जी तो बोल दो चलो इक्वेशन लिख लेते हैं सुंदर से कलर से की वैल्यू आई है तीन तो तीन कैल्शियम कार्बोनेट हो गया बी की वैल्यू आई है दो दो एच थ्री ओ फोर हो गया सी की वैल्यू है वन सी तो ए फोर ट्वाइस हो गया प्लस डी की वैल्यू आई है डी 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 तुम कहां हो डी अरे डी की वैल्यू मिस हो गई क्या नहीं यहां पे तो निकाली थी बी uh, की वैल्यू थी टू है ना डी की वैल्यू थी तीन तो थ्री एच टू सी ओ थ्री ये आ गई मेरी इक्वेशन तीन कैल्शियम तीन कैल्शियम दो फॉस्फेट दो फॉस्फेट बताया था ना पोलेटॉमिक को वन मान के चलो छ हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन तीन कार्बोनेट तीन कार्बोनेट रिएक्शन बैलेंस हो लग रहा है आपको क्योंकि ऐसा लग रहा है टाइम लग रहा है, है सॉल्व करने में बट ऐसे मैथ्स अगर आता हो तो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा आप ऐसे खट 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 होता चला जाएगा ना सारे स्टेप इतना टाइम थोड़ी ना लगना है मुझे समझाने की वजह से इतना टाइम लगा है समझ रहे हो भावनाओं को समझ रहे हो मैम भावनाओं को समझना छोड़ दिया है हमने हाँ भावनाओं को समझना छोड़ दिया है हमने तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई देखो सॉल्व करके बहुत आसानी से हो जाएगा ठीक है बच्चों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आसान सवालों में हिट एंड ट्रायल वर्क थोड़ा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाए तो हमारा एल्जब्रिक मैथड इज समथिंग दैट ऑल्सो वर्कस ठीक है तो ये मेरा एल्जब्रिक मैथड था अब क्योंकि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आ गया क्या काम वही ख़त्म हो जाता है जैसे मान लो मैं पुरानी इक्वेशन ही समझाऊं मेरे पास मैग्नीशियम था ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है तो स्टूडेंट्स कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती चलो बैलेंस करके लिख दिया क्या अब नहीं जब आप एक लेबोरेटरी में जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रिएक्शन को सिर्फ बैलेंस फॉर्म में नहीं और इन्फॉर्मेटिव बना के लिखें आपकी लैब पे एक पेपर पढ़ा और टीचर ने बोला रिएक्शन करके दिखानी है नाउ यू डोंट नो कौन सा सब्सटेंस किस फिजिकल फॉर्म में है किस रिएक्शन के लिए क्या मेरे को कंडीशन लगानी पड़ेगी टू तो परफॉर्म दिस रिएक्शन तो काम खत्म है ना तो क्या है स्टूडेंट्स हम किसी रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं और उस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने से मतलब है नंबर वन कि आप उसकी सारे के सारे जो भी मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट लिखेंगे ठीक है सॉलिड है लिक्विड है गैस है एक्वस है एक्वस क्या होता है बच्चों एक्वस होता है सोल्यूशन नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए थे सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है एंड सॉल्वेंट को एड कर दो एक्वस मतलब पानी में बनाया हुआ सॉल्वेंट यानी जिसमें सॉल्वेंट पानी हो मान लो तुम्हारे पास नमक पड़ा है NaCl यू हैव एनी सॉल्ट आपको पानी में डाल के उसको बना दिया सोल्यूशन इसको बोलेंगे एक्वस सोल्यूशन पानी में बनाया हुआ सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है इम्प्योर होता है क्योंकि दो सब्सटेंस से मिलके बना है सल्यूट एंड सॉल्वेंट अब एक्व सोल्यूशन समझ में आया सॉल्ट है कोई पानी में डाल दिया मिक्स कर दिया एक्व सोल्यूशन आ गया तो फिजिकल स्टेट कुड भी सॉलिड बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट किया है लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट किया है गैस फॉर्म में है बना है निकला है या फिर एक्वस ये सारी हम फिजिकल स्टेट कहाँ लिखते हैं जब हम एलिमेंट लिखेंगे कंपाउंड लिखेंगे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट लिखेंगे जस्ट उनके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं जस्ट उनके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं तो मैग्नीशियम एक सॉलिड होती है मेटल है क्योंकि ऑक्सीजन गैस ठीक है मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या मिला था आपको पाउडर मिला था तो वो भी एक सॉलिड है आपने रिएक्शन को ऐसे इंफॉर्मेटिव बना दिया स्मॉल लेटर्स में लिखते हो कैपिटल में मत लिखना एस जी एल और एक यू ये लिखते हो जी फॉर गैस एल फॉर लिक्विड एस फॉर सॉलिड एक यू फॉर एक्वस ठीक है तो पहला स्टेप है किसी रिएक्शन को इंफोर्मेटिव बनाने के लिए उसकी फिजिकल स्टेट लिखना यहाँ पे भी लिखा था आयन मेटल मेटल जनरली सॉलिड होती है ठीक है वाटर स्टीम के साथ रिएक्ट होता है आयन क्योंकि आयन बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होता है तो रिएक्ट कराने के लिए बहुत ही विग्रस कंडीशन बहुत ही ज्यादा हीट वीट देनी पड़ती है ये पानी भी स्टीम में लेना पड़ा आयन ऑक्साइड बना सॉलिड है मेटल का ऑक्साइड भी सॉलिड होता है जनरली हाइड्रोजन क्या है गैस है ठीक है तो यहाँ पे वैसे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि मैम हमें फिजिकल स्टेट याद नहीं होती मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देती हूँ आपको फिजिकल स्टेट याद करने की मेटल्स जो है आप पढ़ के आए हो पहले ही सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मोकरी ठीक है एक्सेप्ट मौकरी नॉन मेटल्स आपको वेराइटी में मिलते हैं सॉलिड लिक्विड एंड गैस बट जो बहुत कॉमन यूज होते हैं वो मैं आपको बता दूं बहुत कॉमन जो सॉलिड यूज होते हैं वो कौन से हैं सल्फर है और फॉस्फोरस है या आपको मिलेगा कार्बन ठीक है बहुत कॉमन जो सॉलिड यूज होते हैं या फिर ग्रेफाइट कार्बन की कोई भी फॉर्म हो कोल हो ग्रेफाइट हो ठीक है फिर लिक्विड फॉर्म में सिर्फ ब्रोमीन नाम की नॉन मेटल मिलती है गैस में जो बहुत कॉमन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है ठीक है नोबल गैसेस होती है जैसे हीलियम वगैरह पर ये तो रिएक्ट ही नहीं करती तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये अगर छोटी छोटी इंफॉर्मेशन पता है तो बस सिंपल है अगर कोई सॉल्ट है तो वो जनरली एक्वस फॉर्म में मिलेगा सॉल्ट बोले तो सॉल्ट बोले तो जब आप देखोगे कोई कंपाउंड है ठीक है कंपाउंड सीधा रिएक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है पानी में डाल के उसका एक्वस सोल्यूशन बना देते हैं तब उसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम क्लोराइड नमक सोडियम सल्फेट ये भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ सॉल्ट होते हैं सेकेंड चैप्टर में सॉल्ट नाम का एक पूरा अलग टॉपिक है ठीक है बट ये डिटेल आपके काम आएगी ठीक है जी ठीक है फिर कंफ्यूज नहीं होगे फिर बोलोगे मैम ये हेल्प हो जाएगी यहाँ से दूसरी बात एक रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है कि हम उस रिएक्शन पे जो एरो हेड है ना उसके ऊपर या नीचे हम उसकी कंडीशन रिक्वायर्ड लिख सकते हैं मैंने बताया लैब में ये भी पता चल गया क्या सॉलिड लेना है क्या लिक्विड का कहाँ से लेना है बट ये नहीं पता रिएक्शन करनी कैसे भाई इतना टेम्परेचर लगाना है इतना प्रेशर लगाना है ये भी तो पता होना चाहिए तो एरो के ऊपर हम रिएक्शन पे क्या लिखते हैं टेम्परेचर प्रेशर या कोई कैटलिस्ट अगर हमने डाला है तो कैटलिस्ट कौन होते हैं बच्चे जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं जो रिएक्शन हो रहा है आ, मान लो एक घंटे में हो सकता है कैटलिस डालने के बाद सेम रिएक्शन पच्चीस मिनट में हो जाए ठीक है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे स्पीड को बढ़ा दे कम भी कर सकती है कभी कभी बट वो बहुत रेयर होता है ठीक है जनरली हम कैटलिस को रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं जैसे रिएक्शन था सी कार्बन मोनोक्साइड कार्बन मोनोक्साइड एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस होती है तो ये भी मैं ऐड कर देती हूँ फिर बोलोगे बताया नहीं था ठीक है हाइड्रोजन गैस है रिएक्ट करके सी एच थ्री ओ एच मीथेनॉल बना के दे रहे हैं मीथेनॉल एक लिक्विड होता है बहुत ही पॉइजनस होता है लेकिन ये रिएक्शन में स्पेशली जब गैस रिएक्ट करती है ना तो उनको रिएक्ट कराने के लिए बहुत ही प्रेशर लगाना पड़ता है तो ये देखो प्रेशर लगाए थ्री फोर्टी ए टी एम ये पैसा देने वाला ए टी एम नहीं है ए टी एम प्रेशर की यूनिट होती है एटमोसफेरिक प्रेशर ठीक है तो थ्री फोर्टी ए टी एम मतलब तीन सौ चालीस एटमोसफेरिक प्रेशर लगाना पड़ा टेम्परेचर होता तो यहाँ पे टेम्परेचर लिख देते कैटलिस्ट लिख देते हैं सो so ऑन ठीक है बच्चों ठीक है ये देखो इस रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना था ये रिएक्शन कौन सी है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जिससे खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो एटमोसफेयर में जो है पानी लिया जड़ों से है ना रूट से ठीक है और मिलके बनाया किसकी प्रेजेंस में लाइट सनलाइट चाहिए होती है उनको खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए होता है है ना जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो दोनों चाहिए तो एरो के ऊपर वो जो भी कंडीशन है वो हमें लिखनी पड़ेगी द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड जिससे मेरा ग्लूकोज बनाते हैं वो खाना हम खाते हैं खाना और ऑक्सीजन निकालते हैं जो हम लेते हैं पानी निकालते हैं ट्रांसपरेशन के थ्रू प्लांट्स के पत्तों से आपने देखा होगा पानी उड़ता है है ना चलो तो ये आपको पता चला रिएक्शन कंडीशन कैसे निकालते हैं पता चला बच्चों सिंपल था कि नहीं लेकिन मेरा एक और सवाल है आपसे एक केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाना है मान लिया बहुत जरूरी है बट क्या क्या इंफॉर्मेशन आप एक केमिकल रिएक्शन से नहीं दे सकते यानी कि आप मुझे इस होमवर्क का आंसर देंगे और बाकी बच्चे प्लीज इसको पढ़ के आएंगे ड्रॉबैक्स क्या है इसका एक केमिकल इक्वेशन को देख के मैं क्या आइडेंटिफाई नहीं कर सकती विच आई कांट आइडेंटिफाई ठीक है ये आपको मुझे बताना है कि मैम आप ये ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ठीक है डन है बच्चों ये, ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकती एक केमिकल इक्वेशन को देखे इन्फॉर्मेटिव बनाना पता चल गया बट फिर भी कुछ चीज़ें नहीं बता सकते एक हिंट दे देती हूँ मैं जैसे आप एक केमिकल इक्वेशन को देख के ये नहीं बता सकते वो कितनी देर में पूरी होगी आपको लैब में इंफॉर्मेशन तो मिल गई पर लैब में ये थोड़ी ना पता चला वो देख के इन्फॉर्मेशन देख के कि ये रिएक्शन एक घंटे में पूरी होगी कि तीन घंटे में तो कंप्लीशन टाइम जो है वो नहीं पता चलता इसी तरीके से मुझे इसके अलावा कोई भी एनी वन रीजन बताना ठीक है एनी वन ड्रॉबैक ठीक है यहाँ पे कुछ होमवर्क लिखे हैं आपको बैलेंस करने के लिए एक मैं कर देती हूँ चलो दो कर देती हूँ दो आप कर लेना एक सोडियम एक सोडियम मेटल बैलेंस है क्लोरीन दो है यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो लगा दो क्लोरीन बैलेंस इधर सोडियम भी बैलेंस करना पड़ेगा लेना ये आसान तरीका है टेंट ट्रायल

ये वन है ना टू इन टू टू हो गए तो दो और दो चार यहाँ पे दो लगा दो बैलेंस हो गया है ना तो दो मैंने कर लिए हैं ये दो एज द होमवर्क आप लोगों को करना है तो ये आपका होमवर्क है सवाल नंबर तीन और चार बैलेंस करना ऑफिशियंट बताना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने एक बता दिया एक और रीजन बताना ठीक है अब आप केमिकल इक्वेशंस और उसको बैलेंस करने के मास्टर बन गए हैं प्रैक्टिसिंग जितने भी आपको सवाल मिलते हैं एनसीआरटी में कुछ हेल्प बुक्स आप स्टार्ट कर सकते हो एजुकाट ओसवाल टाइप सवाल लगाने की कोशिश अभी से स्टार्ट कर दो आप नाइन्टी फाइव के आप सौ में से सौ लेके आओगे ये मेरी इच्छा नहीं ये मैं आपको बता रही हूँ दैट कैन हैपन श्योरली कैन हैपन इफ यू आर स्टार्टिंग अर्ली अर्ली स्टार्ट करने का ये, ये लास्ट में आके आप लोगों को घबराहट परेशानी टेंशन ये सब छू के भी नहीं जाएगी ठीक है बच्चों तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा मेरी पूरी की पूरी उम्मीदें हैं इस बात पे अगर है तो प्लीज जरूर बता देना कमेंट करके सेशन कैसा लगा साथ में एक गोल्डन हार्ट छोड़ देना लाइक करना बिल्कुल 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 नहीं भूलना है और दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई नहीं भूलना है क्योंकि हेल्प करना बनता है आटम अच्छा सोने का दिल रखती है है ना ओके okay, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी आत्मसार में का हिस्सा बन जाओ मिलूंगी बहुत जल्दी अगले लेक्चर के साथ तब तक के लिए बच्चों बाय तो सी यू तारा हस्ता लवस्था